पिछले एपिसोड में आपने देखा, हमने रोड ट्रिप करी थी फ्रॉम बैंगलोर टू ऊटी वाया मैसानगुडी होते हुए 36 हेयर पिन बैंड से। फिलहाल हम लोग ऊटी पहुंच चुके हैं एंड इस बार कुछ हटके ट्राई करने का सोचा। सो इस बार रेगुलर होटल के जगह हमने चूज़ किया है यूनिक अकोमोडेशन। ये एक लग्जूरियस कैंप है, नाम है एडवेंचर ऑफ फर्न हिल। काफ़ी कुछ सुना है इसके बारे में, तो इस बार हम आपको ले आए हैं इस प्रॉपर्टी पे। पहले मैं आपको डिटेल में प्रॉपर्टी टूर कराती हूँ एंड फिर शेयर करूँगी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली गाइज, हम लोग चेक इन कर चुके हैं एडवेंचर ऑफ फर्न हिल में एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो ये हॉबिट हॉल्स। आप सबने तो वो मूवी देखी होगी, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स, एंड उसमें छोटे छोटे हॉबिट्स होते थे, उनके होल्स होते थे, उसमें घुस जाते। वैसा तो नहीं है ये, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम का ऐसा देखने को मिल रहा है एंड बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आके कम्प्लीटली अलग वाइब मिलता है, एक तरह का ये लग्जूरियस कैंपिंग साइट कह सकते हो आप। यहाँ पे ऐसे ऑबिट हॉल है, नीचे आपको हट हाउस भी मिलेंगे एंड उसके नीचे कैंपिंग भी है। तो तीन फ्लोर में है ये, तो मैं आपको इसका डिटेल में व्यू एक बार सारा सब कुछ दिखाती हूँ। दोपहर का टाइम है, मौसम ऐसा है तो लग रहा है शाम है, शाम नहीं है अभी, दोपहर का ही टाइम है। ऊटी का वेदर अभी इस समय बहुत अच्छा हो रखा है और ये रास्ते के साथ साथ ये लैम्प्स मिल जाएंगे एंड जब ये लिटअप होते हैं ना रात में, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। चलिए आपको हॉबिट हॉल्स दिखा दें। यहाँ पे टोटल 10 हॉबिट्स होल हैं। यहाँ पे आपको पीने के पानी के लिए आपको बॉटल्स लगाए हुए हैं, डस्टबिन दिया हुआ है। पहले यहाँ पे सिटिंग एरिया भी हुआ करती थी बट अभी वो नहीं लगाए, तो इसका माइनस पॉइंट है ये। चलो अब तुम दिखा दो कि हमारे दर्शकों को कि हॉबिट होल अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से इसका कुछ ऐसा व्यू है, हमारा है हॉबिट होल्स H4। कंक्रीट का बनाई है, सर्कुलर स्टर्डी लॉक्स, थोड़ी आउटसाइड पे क्रेविंग्स है, ये लाइट है मेरे ख्याल से। नीचे ऐसे बेस के ऊपर इसको टिकाया गया है, टिकाया ही गया है। मैट, ग्रासी मैट जो आमतौर पे घर पे होती है। बेड ओनली सफिशियंट फॉर टू पीपल, नॉट मोर देन दैट, दो लोग से ज़्यादा, और दो में भी अगर आप इधर उधर पलट पलट के सोते हो तो थोड़ा जगह कम पड़ सकती है। साइड में थोड़ा सा सामान रखने की जगह है, हम अपने साथ हिट भी लाए हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है मच्छर वच्छर की वजह से हम अपने साथ हिट रखते हैं। नीचे दो बैग आ सकते हैं और उसके बाद फिर जगह नहीं बचेगी। ऊपर दो लाइटें हैं, उसको हम भी हमने जलाया नहीं है। तीन चार्जिंग पॉइंट हैं, इस तरफ कपड़े टांगने के लिए हुक है और बड़ा बेसिक सा सेटअप है। बेसिकली एक एक्सपीरियंस है, इट इज़ नॉट अ लग्जरी। एंड पीछे एक विंडो भी दिया हुआ है कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं और आप नहीं रह पाओगे इतनी छोटी सी जगह में, तो आप विंडो खोल सकते हो। बेड देखा जाए तो ठीक है, वो हॉबिट्स होल है एंड वॉक बहुत करना पड़ेगा आपको। आपके फिटनेस का पूरा ध्यान दिया गया है कि आप फिट रहे, तो वहाँ से चल के ऑल द वे वॉशरूम के लिए आना है आपको। तो हर फ्लोर पे आपको 4 वॉशरूम दिए गए हैं। थोड़ा सा अलग है, हॉबिट हॉल में वॉशरूम नहीं है, सब जगह अलग अलग वॉशरूम दिया है। तो ये पहला वॉशरूम, इसमें सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल का दिया हुआ है एंड ये सिर्फ सिंगल है। और दूसरे स्टाइल का वॉशरूम कुछ ऐसा है कि इसमें आपको नहाने का भी दिया हुआ है एंड टॉयलेट, और आप देख सकते हो वहाँ पे सोप, हैंड वॉश सब है, वेस्टर्न स्टाइल का है, पेपर टॉवल भी लगा है, डस्टबिन भी है, बकेट, मग, स्टूल एंड गीजर। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे, ऊटी बहुत ठंडी वेदर रहती है यहाँ पे, तो उसके लिए गीजर मस्ट है, तो वो भी दिया हुआ है।
वो रहे हमारे होबिट होल्स एंड वहाँ से चलते हैं अब सेकेंड लेयर के तरफ। तो आपको काफ़ी वॉक करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ उतर के फिर चलते हैं सेकेंड लेयर टीपी की तरफ। सो ये रहे टीपीज, टोटल 12 टीपीज हैं यहाँ पे एंड बस बाहर से स्ट्रक्चर अलग इन हट टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अंदर से सेम कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। आपको क्वीन साइज बेड मिल जाएगा विथ 3 सॉकेट्स एंड 2 लाइट्स, सेम डिज़ाइन है जैसा हॉबिट होल का था। एंड अगर वहाँ दिख सकता है तो यहाँ पे भी अटैच्ड आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा, आपको कुछ वॉक करके वहाँ जाना पड़ेगा। सेम है, 4 वॉशरूम्स दिए गए हैं वहाँ। सो ये रहा तीसरा लेयर, यहाँ पे कैंप्स लगते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल 2 ही कैंप है, वीकेंड पे काफ़ी भीड़ रहती है तब शायद ज़्यादा कैंप लगते होंगे। एंड सेम वहाँ पे दूर उनका वॉशरूम है, एक बार मैं कैंप आपको अंदर से दिखा देती हूँ। सो टेंट इज लाइक दिस एंड इसमें 2 स्लीपिंग बैग्स हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही आ पाएंगे इसमें। सो अभी हम लोग 4th लेयर पे आ चुके हैं एंड इस लेयर पे आपको वॉलीबॉल खेल सकते हो, यहाँ पे बैडमिंटन के लिए जगह है, बच्चों के लिए ट्रैम्पलिन भी है। तो इट्स ऑल अबाउट आउटडोर गेम्स। अब चलते हैं नीचे। सो वी आर ऑन 5th लेयर एंड 5th लेयर इज़ ऑल अबाउट पार्किंग एंड वहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट लग रहा है, वो बाद में चेक करेंगे। एंड जो सबसे नीचे का लेयर लास्ट लेयर है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे एक कैफ़े है, बहुत ही अच्छा कैफ़े है, आउटडोर में सिटिंग स्पेस है एंड यहाँ पे वाइब भी अलग मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रात के बॉनफायर का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। हेलो, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ओके है, एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें, एक तो ये काफ़ी हाइट पे है तो अगर बार बार नीचे ऊपर उतरना है खाने पीने के लिए तो वही ड्रॉबैक है क्योंकि आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। तो सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि बाहर बैठने का सिटिंग स्पेस नहीं है, अंदर ही स्पेस है, जो भी आप बैठना है तो बैठो और लेटना है तो लेटो, अदरवाइज बाहर 2-3 चेयर पहले रहती थी वो चेयर नहीं है। मेरे लिए एडवांटेज है बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ तो रेस्टोरेंट कम्प्लीट 100% वेजिटेरियन है, बट जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेज नहीं है तो उनको जोमेटो और स्विगी से मंगवाना पड़ेगा और वो भी उसके लिए उसको नीचे जाना पड़ेगा और फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक लग्जरी नहीं है, एक एक्सपीरियंस है और वन टाइम आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब डिपेंड अपॉन योर नेचर, आप बार बार भी आ सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शायद दोबारा नहीं आऊँगा, बट क्या मैं एक बार भी नहीं आता? नहीं, मैं एक बार आके एक्सपीरियंस ज़रूर लेता और बाकी का एक्सपीरियंस सुबह बताएंगे आज की रात कंप्लीट होने के बाद। सात बजे के लगभग हम लोग फिर से बाहर आए हैं एंड ठंड बहुत बढ़ गई है, देखिए तो मैंने जैकेट और हैट तो पहन ही लिया है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मेरे को तो। रात में लिटअप हो गया है तो और भी सुंदर नज़ारा हो चुका है। यहाँ कैफ़े में बहुत ही सुंदर म्यूज़िक चल रहा है एंड बस डिनर करके मिलती हूँ मैं आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज एंड कल रात हमें नींद बहुत अच्छे से आई और अभी हम लोग नाश्ते के लिए आ चुके हैं नीचे कैफ़े एरिया में। ब्रेकफास्ट हमारा कम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में वेज ऑप्शंस है, ओनली इडली है, आपके पास उपमा है, सांभर चटनी एंड चाय कॉफ़ी में से आप जो चूज़ कर लें। तो जल्दी से फटाफट ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलते हैं यहाँ से, अब चेकआउट होने का भी टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था, इवन जो रात में हमने खाना खाया था वो भी काफ़ी टेस्टी बना हुआ था एंड ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इवन ऊटी लेक, बोट हाउस, ये सब 4-5 किलोमीटर के अंदर पड़ जाएगा।
एक्सपीरियंस मैटर और ये हसीन वादियाँ ऊटी की। और रात में इतनी ठंड पड़ गई थी कि जैकेट और स्वेटर भी काम नहीं कर रहे थे, बट हॉबिट हॉल में उतनी ज़्यादा मतलब ठंड नहीं लग रही थी, कोजी था अंदर। सो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नीलगिरी टॉय ट्रेन। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में वहीं पे। थैंक्स फॉर योर टाइम।